उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात में बड़ा सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में एक ही परिवार के करीब 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस के मुताबिक घटना हाईवे पर हुई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में पलटने से कार सवार 8 लोग तालाब में डूब गए थे, जिसमें से 6 की मौत मौके पर हो गई और अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ये परिवार मध्य प्रदेश के फूफ कस्बे से लौट रहा था, इसी बीच ये हादसा हुआ। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, आज करीब 2 बजे रात को थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरा संदलपुर रोड पर जगन्नाथपुर गांव के यहाँ एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो अनियंत्रित होके पलट गई थी, और पलट के ये जो चौड़ा और गहरा नाला यहाँ पर जो है उसमें गिर गई थी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 बच्चों को बचा पाए थे। बाकी इसमें जो बचे 6 लोग थे जो गाड़ी में फंसे हुए थे और उनकी मतलब फंसने के वजह से मृत्यु हो गई। ये सभी लोग जो है थाना डेरापुर में मुर्रा गांव और थाना शिवराजपुर कानपुर नगर के निवासी हैं। ये लोग सभी लोग फूंक गांव इटावा क्षेत्र में एक तिलक समारोह में शामिल होकर वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त देर रात को ये घटना हुई है। बाकी ये सभी को निकाला गया था और इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। जो भी विषय सामने आएंगे आपका अवगत कराया जाएगा।